मैं आपसे जनता करता जन, मैं आपके कैमरे सुनो जन, जन, जनता के का थी राजू भाई जनता जनता ने क्यों क्यों दिए थे वोट मैं आपके कैमरे के सामने जनता ने वोट क्यों दिए थे कलम दे दो मैं आपसे पूछता हूं पहली कलम किसके पास है प्रदेश में दुष्यंत के पास है या मनोहर लाल खट्टर जी के पास है उप मुख्यमंत्री तो है उप मुख्यमंत्री है ना मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन चल तो है चल ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है जो बात कह दी वो कह दी फिर अपीलेशन तो कौन बनी है अर्जुन चौटाला एक पत्रकार उससे पूछ रहा है कि भाई जेजेपी पार्टी छोड़ देगी या बीजेपी छोड़ देगी के अलग होने के चांस है नहीं अर्जुन चौटाला जो है वो बड़े सम्मानित है हमारे छोटे भाई हैं अब उन्होंने राजनीतिक बात आप क्वेश्चन कर रहे तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ जी भाई आप अपनी चिंता करो कांग्रेस से गठबंधन करना है या आम आदमी पार्टी से करना है या अकेले लड़ना है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर सुनो सुनो नहीं आज मैं क्वेश्चन करूंगा ना मतलब रोड पे यहाँ तक कि जो खिलाड़ी हैं वे भी रोड पे राम राम भाई सारे भाई आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज दोस्तों आपने बेरा होगा इलेक्शन की जो है शुरुआत होगी है 2024 की और पार्टी भाई जो युवा हैं उनने पद देने लाग रहे हैं आज भाई जो राजू मेहरा है भिवानी से उस तीन जेजेपी पार्टी ने एक पद दिया है वो के पद दिया है वो भाई राजू मेहरा तय बुझाएंगे और इस साइड में कहूँगा जो हैं काफ़ी नौजवान बुजुर्ग आ रहे हैं और राजू मेहरा बैठे भाई इसमें जो है प्रोग्राम आज बहुत सारे युवा सैकड़ों युवा आएंगे और बुजुर्ग भी आएंगे भाई पूरी जो वीडियो है वो आप दिखाएंगे एक बार राजू मेरा तो बात करांगे राजू नमस्कार भाई नमस्कार जी राम राम जी सारे ने राम राम तो भाई यो राजू मेरा राजू भाई सबसे पहले अपना परिचय दे दो भाई छोटे से परिवार से हूँ और गरीब किसान का बेटा हूँ राजू मेरा नाम है भिवाड़ी के बासिंदे जी तो राजू भैया जो प्रोग्राम कर रखा है युवा बुला रखे क्यों बुला रखे के प्रोग्राम ऐसा है हमने किसी को नहीं बुलाया ये प्यार है अच्छा ये युवा साथी है इन सब का जो है ना एक मेल मिलाप है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है ये सब प्यार में आए हुए हैं अच्छा और आए इसलिए हैं कि एक साधारण घर के परिवार के बच्चे को जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया है अच्छा प्रवक्ता बना दिया बिल्कुल बना दिया जी और ये मतलब जो इलेक्शन आओगे उसकी तैयारी है नहीं इलेक्शन तो भविष्य की बात है इलेक्शन लड़ने का ना अपना कोई जो है कोई इरादा है और ना कोई तैयारी है अच्छा। हम तो पार्टी के सेवक हैं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करके और जननायक चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चल के इस हरियाणा प्रदेश के सभी जो हमारे जो साथी हैं जिनको वास्तव में जो है हर प्रकार की जो है सहायता की या किसी कार्य की जरूरत है जी उनको साथ लेकर के और अच्छे जो है प्रदेश की नींव रखने का काम करेंगे जी तो कब जुड़े आप इस पार्टी से भाई मेरे को हो गया 27 अगस्त 2005 को जुड़ा था 2005 हाँ जी अच्छा और तब उम्र थी 16-17 साल तब से जुड़े हुए तो 2005 तब जुड़ रहे हो उस समय की जो है या पार्टी और ईब की पार्टी की फर्क आया कुछ चेंज आया है फ़र्क ये आया है तब तो हम युवा जो है ना बिल्कुल नए नए थे तो हम देखते थे भाई ये राजनीति कैसे करते हैं लोग तो बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई क्या हम भी ऐसे इतने बड़े पदों पे जा पाएंगे लेकिन आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान की ताकत से इस भाईचारे की ताकत से और जननायक चौधरी देवीलाल की सोच के साथ आज हमारे को ही मौका मिला है और ये मौका इसलिए मिला है कि जो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश को बसाने का काम किया था जी। तो उनका एक इनारा था कि भी कमेरा किसान मजदूर छोटा व्यापारी और एससी बीसी सब बैकवर्ड सबको उनका हक मिले उस हरियाणा प्रदेश की नींव रखी थी और उस नींव को रखते हुए जो आगे बढ़े आज उसको दुष्यंत चौटाला साकार करने जा रहा है कर भी रहा है आगे भी करेगा उनसे जुड़े भाई और आगे बढ़े सकारात्मक सोच के साथ मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कोई भी साथी हो और किसी भी पार्टी में हो किसी भी दल में हो किसी भी संगठन में हो किसी भी सभा में हो
अगर सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर के सबका मान सम्मान करके और आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो भाई घर कोई परोसने नहीं आएगा। हो सकता है एक बार दाव लग जाए, दो बार दाव लग जाए, लेकिन बार बार नहीं लगेगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले ऐसी सेल का मेरे को शहर का उप प्रधान बनाया, उसके बाद में वरिष्ठ उप प्रधान बनाया, फिर मेरे को हल्का प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी, उसके बाद में इनेलो शासनकाल में, उसी इनेलो में जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें बड़े बड़े मगर जो बड़े बड़े नेता और आप निकल तो गया था, हाँ निकल गया था भाई, राजनीति के अंदर मगरमच्छ होते हैं बड़े बड़े, तो साधारण परिवार कौन आगे आने देता है, लेकिन यहाँ आने देते हैं सब। उस पार्टी का जिले का प्रवक्ता बनाया मेरे को, और दिग्विजय भाई साहब की जब नजर पड़ी तो उन्होंने हाथ पकड़ के अपने साथ खींचा और साथ खींच करके अपने साथ लिया, बहुत मान सम्मान दिया, और मेरा ही नहीं मेरे पूरे समाज का मान सम्मान किया और आज प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। जो प्रवक्ता आप बनाए हो, किक के काम करोगे, पार्टी के लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे? देखिए प्रवक्ता का काम होता है पार्टी की जो नीतियां है, पार्टी की जो नेताओं ने या हमारे मेमोरेंडम की या हमारे पार्टी का जो एक क्या कहते हैं घोषणा पत्र है उपलब्ध दिया है, वो जनता तक पहुंचाना, और इसके साथ साथ समाज को साथ लेकर के और उसकी मांगों को पूरा करवाना। भिवानी के अंदर आज ये खुशी होती है कि जब से सरकार आई है हमने ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन उतना कर दिया जितना पहले किसी ने नहीं किया था, ये दावे के साथ कहता हूँ जी। तो अर्जुन चौटाला, एक पत्रकार उस तक पूछ रहा है कि भाई जेजेपी पार्टी छोड़ देगी या बीजेपी छोड़ देगी के अलग होने के चांस हैं? देखो मेरा वैसे बनता नहीं, अर्जुन चौटाला जो है वो बड़े सम्मानित हैं, हमारे छोटे भाई हैं। अब उन्होंने राजनीतिक बात आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ जी। भाई आप अपनी चिंता करो, कांग्रेस से गठबंधन करना है या आम आदमी पार्टी से करना है या अकेले लड़ना है, ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, जो बात कह दी वो कह दी। फिर वो पेंशन तो कौन बनी है 5000? आपकी बात सही है, 5000 पेंशन नहीं बनी। आप पिछले 20-25 साल का इतिहास उठा के देखो, जितनी पेंशन तब नहीं बढ़ी थी, आज हमने 5-4 साल में बढ़ा के दिखा दी। हर चीज उसने तो नुकई थी ना, जब मैं आऊंगा तो पहली कलम तय मतलब जो है पेंशन है वह 5000 करूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर सुनो सुनो, नहीं आज मैं क्वेश्चन करूंगा ना, मैं क्वेश्चन करूंगा। और दुष्यंत चौटाला ने क्या कही थी कि भाई अपनी जो जनता है मतलब अपने जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं बाहर जहाँ दूर दूर ट्रस्ट देने खातर उन जाना कौन पड़ेगा, लेकिन इब भी जहाँ हमें ठेके की कही थी भाई ठेके मैं दूर कर दूंगा, लेकिन वे भी दूर कौन हुए? आपने कहा भी पहली कलम से दूर कर देंगे पेंशन की जो बात थी, मैं आपसे पूछता हूँ पहली कलम किसके पास है प्रदेश में? दुष्यंत के पास है या मनोहर लाल खट्टर जी के पास? उप मुख्यमंत्री तो है, उप मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन चालो तो है, चलती है, करवा तो उसका है। तभी तो पिछले 15-20 साल से जो पेंशन नहीं बढ़ी, 10 साल में 4 साल में बढ़ा के दिखा दी, लेकिन पहली कलम दोगे 20% से आई है, 80% और दे दो, फिर मैं आपसे जनता के कहती राजू भाई, जनता ने क्यों दिए थे वोट आपके कैमरे के सामने? जनता ने वोट क्यों दिए थे? कलम दे दो। सुनो जनता ने क्या कही थी, अक भाई 33 वोट दे हुआ हाँ, लेकिन दुष्यंत के है बीजेपी में जाके मिल गया। ये राजनीति के जो है ना समय की मांग होती है। आप कुलदीप बिश्नोई का असर देखो कहाँ है आज, क्या दुष्यंत चौटाला भी आज, दुष्यंत अगर सत्ता में है तो जहाँ हम बैठे हैं इस भवन के अंदर 16 लाख रुपए आ चुके हैं, किसके कारण आए हैं? दुष्यंत चौटाला के कारण आए हैं। इस शहर के अंदर हमने 70 लाख रुपए दिलाने का ये तो फिर आप अपना समाज खतर कर रहे हो ना, जनता के लिए, ये जनता समाज ही तो है यार। नहीं सुनो, लेकिन पेंशन, पेंशन में फिर आप वही बात कर रहे हो ना, जो चीजें पिछले 20 साल तक नहीं हुई वो हमने 4 साल में उससे ज्यादा बढ़ा के दिखा दी और आगे ही बढ़ेगी। पहली कलम दे दो, अगर आपकी 51 साल पेंशन ना हो तो मैं आपके के सामने कहता हूँ आपको साथ लेके चलूंगा दुष्यंत के सामने, और मैं क्वेश्चन करूंगा भाई साहब 51 साल क्यों नहीं कर रहे। चलो भाई, जो है आज भाई साहब को जो है प्रवक्ता बना दिया है प्रदेश का, बड़ी खुशी की बात है भाई, अपने समाज के लिए पूरी जनता के लिए जो है काम करे। तो बैठे हैं बुजुर्ग, इनते भी कर ले सवाल। बिल्कुल करो, एक बात और कहना चाहूँगा जी, 33% आरक्षण महिलाओं को मिल गया आज तक? बिल्कुल मिल गया, कहाँ नहीं मिला? फिर 8% बैठे हैं,
आप उनसे पूछो ना जाके, 8% पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में, और 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार में, जो अभी आपका कोर्ट में किसने चैलेंज किया, अगर जो लोग जिन लोगों ने चैलेंज किया अगर वो हरियाणा के हित के होते तो क्या ये कानून गलत था? हरियाणा का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, हरियाणा की इंडस्ट्रीज के अंदर, हरियाणा के जो है ना नौकरी के अंदर 75% हरियाणा का बच्चा लगता, कौन सी गलत बात थी ये? क्या ये दुष्यंत ने जो कानून पारित करवाया था उसको चैलेंज क्यों किया गया? इसलिए लोगों की मानसिकता जो है, विरोधी पार्टियों की मानसिकता गलत है। हम सकारात्मक सोच के लोग, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं जी। और इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है ना आगे भी सकारात्मक पार्टी के लिए क्या करना चाहोगे? पार्टी के लिए जो मान सम्मान दिया है मेरे के, मैं तो एक गरीब और जो है ना एक किसान का बच्चा हूँ, 2005 से लगा था, आज प्रदेश का प्रवक्ता बना दिया जी। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है यहाँ, काम करो, नेता की नज़र आपके ऊपर है, 1% भी कहीं सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, ई चुनाव आएंगे 24 में, तो किस मुद्दे लेके जो है पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, किस मुद्दे लेके जनता के बीच में जाओगी? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, इस विकास की जो गति है इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये बात काम कौन हो, युवाओं के, युवाओं के काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहे, क्यों नहीं? अच्छा, हो रहे? तो आगे के काम करवाओगे? आगे वही जो विकास कार्य अब चल रहे हैं इसको और गति देने का काम करेंगे, रोजगार की बात उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, 75% का जो आपका रोजगार का कानून है उसको पारित करवाने का काम करेंगे जी। चलो, बहुत बहुत सबसे अच्छी बात, एक और बात मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, बताओ जी। मैं ऐसी समाज से आता हूँ, ऐसी समाज की जितनी धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, वहाँ पर सिर्फ एक ही काम होता था कि अभी कोई ब्याह शादी होती थी तो जो है हम उसको खोल देते थे। दुष्यंत ने उसका स्वरूप बदल दिया, उनको अम्बेडकर जो है ना भवन का नाम दे दिया है, और अब उसमें क्या होगा, लाइब्रेरियाँ खुलेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये सोच है उसकी। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। चलो, तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? अच्छा अच्छा, प्रदेश महासचिव, आ जाओ जी, साढ़ा जो ये साढ़ा भाई, नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम सिंगला है जी, और तोसाम विधानसभा से मैंने जननायक जनता पार्टी की टिकट से मैंने चुनाव लड़ा है। और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने तोसाम विधानसभा क्षेत्र जिसमें चौधरी बंसीलाल की विरासत रही है, और उस विरासत के अगेंस्ट मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक विधानसभा का टिकट दे करके एक सामाजिक बदलाव की जो पहल की गई है, उसका मेरा समाज और मैं तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। तो आपने यह उम्मीद थी कि जो है आज पार्टी मेरे तय इस पद पर पहुँचाओगी, इतना मान सम्मान देगी? अभी भाई राजू ने कहा था कि यहाँ काम करने वाले आदमी का सम्मान होता है, जो भी काम करता है ना, यहाँ किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। कुछ पार्टियाँ हैं जहाँ पूंजीपति लोगों की चलती है, ये तो कमेरे वर्ग की पार्टी है, यहाँ कमेरा आदमी आगे बढ़ेगा, चलेगा आगे बढ़ेगा तो उसको सम्मान मिलता जाएगा। हम तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हमारे को बना दिया, हम तो ऐसे घरों से आते हैं जहाँ की हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, और मेरे जैसे कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट दिया गया है, और आज प्रदेश की जो राजनीति में जो भागीदारी की है तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार मित्तल है जी। मेरा मित्तल चाय के नाम से काम है। अच्छा अच्छा, तो मैं जेजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ काफी साल से। काफी साल हो गए? हाँ, काफी साल हो गए। मेरे पार्टी बढ़िया है, बहुत बढ़िया पार्टी है। अच्छा। ये हर आदमी का ध्यान रखते हैं सबसे पहले तो इसमें को सर ध्यान रखते हैं, लेकिन आज गठबंधन की सरकार है, लेकिन किसको बताऊं मैं, मतलब हर कोई जो है रोड पे बैठा है। एक बात का मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप कह रहे थे भाई 5100 रुपए चौटाला जी ने पहली कलम से नहीं किए, उसका क्या रीजन है कि इनके पास 10 सीटें हैं, अगर इनके पास 90 की 90 सीटें होती तो पहली कलम से 5100 रुपए कर देते हैं, और आप इनको 5100 रुपए करवाने के इलेक्शन लड़ेंगे तो गठबंधन तो लड़ेंगे क्या? देखो ये तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। अच्छा। मैं पहले कैसे कह दूं इस बात की, राजनीति है, हो सकता है साथ में लड़े और उनका उनका काम है, लेकिन अगर इनको 90 सीटें दे गई तो ये समझ लो कि 5100 रुपए पहली कलम से हो जाएंगे। ये हर आदमी जो काम करने वाला है, इनसे जुड़ा हुआ है, उसका चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सबका ख्याल रखते हैं। चलो, जनता बताओगी बाकी जो है करेंगे या नहीं करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना परिचय। मेरा नाम मास्टर रवि कुमार है जी।
मैं तो कहना चाहूंगी जी आज प्रोग्राम आज का जो मेन जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर सीताराम सिंगला जी और राजू मेहरा जी का सम्मान समारोह है जी। तो इसी कार्यक्रम के लिए साथियों का सम्मान समारोह है, तो इस उद्देश्य से जो हम लोग यहाँ तो शाम से 8-10 साथी पहुँचे हैं। सर क्या नाम है? मैं कपूर वाल्मीकि जिला अध्यक्ष JJP का SC मोर्चा का। अच्छा जी, तो सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है कितनी खुशी के कहना चाहोगे? देखो बड़ी खुशी है, जो जननायक जनता पार्टी ने एक आम आदमी आम वर्कर को साधारण वर्कर को इतनी बड़ी जुम्मारी दी है उसे समाज में भी खुशी है और हौसला बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए आज एक सम्मान समारोह किया जा रहा है जिससे पार्टी की मजबूती बढ़ेगी और हमारे जो साथी बनाए गए जिनको पद दिए गए हैं वो भी मजबूत होंगे। चलो धन्यवाद। चलो रतन आज यड़ाए हो के प्रोग्राम है किस किसी प्रोग्राम भाई साहब का है जो प्रोग्राम बुलाया गया है। अच्छा संगठन अपने लिए भाई धर्मशाला में भाई सारे अपना परिवार राजू मेरा के बारे में बताओ, मतलब किसाक लड़का है, काम करेगा नहीं करेगा? राजू मेरा बहुत बढ़िया है, खूब मतलब करता रहे है, भी करता रहे है, गरीब के लिए आग्रह है, आग्रह है, कोई भी काम हो कोई मदद हो उसके लिए आग्रह है। राजू मेरा तो बिल्कुल रहे, कोई भी काम हो उसके लिए कार्यकर्ता लिए आग्रह है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। कपूर सिंह निगाना हल्का तोशाम, तोशाम से जननायक जनता पार्टी का अनुसूचित प्रकोष्ठ का हल्का अध्यक्ष जी। तो आज जो प्रोग्राम कर रहे हो कितनी खुशी है पार्टी के लिए क्या करना? पार्टी भाई दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं आने वाले राजस्थान में भी अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी हमारी सरकार बनाने में बड़ी भागीदारी। तो ये बात चुनाव होंगे अपने हरियाणा में 24 में, तो किस मुद्दे लेके पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? मुद्दे बहुत से हैं, हमने महिलाओं को 50% आरक्षण जो पंचायत में रिजर्वेशन देने का काम किया, युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का काम किया, अनेकों काम किया हमारे पास। कोई काम पेंडिंग भी है? नहीं हमारे कोई काम पेंडिंग नहीं, कोई एक आध है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भाई दुष्यंत चौटाला लगे हुए हैं, पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए सब। ये आशा वर्कर किसान मतलब धरना पे बैठे रहे हैं, चाहे मास्टर लगा लो कोई लगा लो मतलब रोड पर, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी हैं वे भी रोड पर। हमारी पार्टी किसानों की मजदूरों की कर्मचारी के हित के लिए हमारी पार्टी तो आप गए थे जी किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन हम गए, हमारे नेताजी गए, दिग्विजय सिंह चौटाला जी गए, सब किसानों के साथ। चलो धन्यवाद जी। तो भाई इस साइड जो है प्रोग्राम हो रहा है, मैं कहूँगा अध्यक्ष को जो है इबे तो जो है युवा आने लाग रहे हैं और आ भी रहे हैं, कुर्सियाँ जो है पूरी जो है भर गए भाई, ये आप देख सको हो। और कुछ ही देर बाद जो है भाई प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और जितनी कुर्सी खाली है ये सारी भर जाएंगी भाई। राजू मेहरा को जो है प्रदेश का जो है प्रवक्ता जो है बना दिया गया है भाई, ये आप देख सको हो भाई। कुछ ही देर बाद जो है प्रोग्राम चालू हो जाएगा, काफ़ी युवा और महिला भी जो है भाई आने लाग रही हैं, तो के कुछ कहना आया है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए भाई। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।